अपने परिवार दस के दृष्टि पर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे से बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। इसमें दोस्तों बच्चों को जो है पैनल लिस्ट तो आ गया है, पैनल लिस्ट बच्चों का आ गया है। पैनल लिस्ट कैसे चेक करेंगे अभी बताएंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया गया है। काहे लिए बाहर किया गया है चलिए बताते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो ये नोटिस है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। देख लीजिए लिखा हुआ है, बाई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चेक किया गया है सभी लेटर, उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले आप दोस्तों गूगल क्रोम पे जाइएगा। गूगल क्रोम पे जाने के बाद जब आप गूगल क्रोम पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर टाइप करिएगा RRB। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप टाइप करिएगा RRC चंडीगढ़। ठीक, जब आप RRC NR डालेंगे तब भी आपका ये पेज खुल जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, कल की डेट में तीन नोटिस आई है। पहली नोटिस तो ये आई है जिसमें पोस्ट को चेंज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कई सारी पोस्ट हटा दी गई हैं। ठीक, तो एक नोटिस तो ये आई है, इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन सी पोस्ट इसमें हटाई गई है। दूसरा जो दोस्त देखिएगा कि जो पैनल लिस्ट है उसके बारे में ये कि पैनल कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे दोस्तों, तो पैनल का स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर जब आप जाएंगे दोस्तों, तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, रोल नंबर पता हो तो रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर पता हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर से। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालिएगा जो भी होगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। जब डाल के सबमिट करेंगे दोस्तों, तो ये आपका जो है पेज खुल जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा कौन सा डिवीज़न मिला है, कौन सी पोस्ट मिली है। जैसे कि हमारे पास कुछ बच्चों ने भेजा है, देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है इस तरह, जैसे महेंद्र कुमार गुप्ता, सुभाष गुप्ता, OBC, इनको दोस्तों ट्रैक मेंटेनर मिला है मुरादाबाद में। अब देखिए इसमें लिखा हुआ दोस्तों, योर नेम इज़ प्रोविजनली इंक्लूड द पैनल लिस्ट एंड वेट फॉर कॉल लेटर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों के पास हुआ क्या है दोस्तों, इस तरह का मैसेज आया है, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रोड्यूस ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ़ ऑलरेडी वर्किंग लीगल डॉक्यूमेंट। फिर आगे लिखा गया है दोस्तों, सबमिट 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ स्टेशन अपडेशन, नो फर्दर करस्पॉन्डेंस सेल डन। मतलब इनके में हुआ क्या दोस्तों, इन्होंने NOC अभी तक जमा नहीं की। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अभी तक NOC नहीं जमा की, इसलिए दोस्तों इनके पास इस तरह का मैसेज आया है। तो ये पहले अपनी NOC जमा कर दें। जमा करने के बाद तो इसी तरह दोस्तों कुछ लोगों का क्या आया है कि यू आर रिक्वायर्ड, ये तो है दोस्तों, लेकिन है क्या कि उसमें नीचे दिया गया है कि आप जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं ड्यू टू मेडिकल रीज़न, जो कि B1 के नीचे है या B2 के नीचे है। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है इसमें। अर्थात B2 वाली सारी पोस्टें कहाँ गई, B1 वाली सारी पोस्टें कहाँ गई। तो अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको सारी अपडेट दोस्तों यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।